नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन सबसे बड़ी मूवियों के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में। सबसे पहली फिल्म है गदर 2 मूवी, और वही दूसरी फिल्म की बात करें तो दूसरी फिल्म है जो कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के बारे में, और वही तीसरी फिल्म की बात करें तो तीसरी फिल्म है प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में। यह तीनों मूवियाँ अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पॉन्स दिखा रही हैं, और साथ ही साथ इन तीनों मूवियों को ऑडियंस कितने अच्छे खासे रिव्यू दे रही है, और यह फिल्म है जो कि अपने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग करेंगी पहले दिन। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी के बारे में। तो आप लोग बताइए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी जो कि बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें कि गदर 2 मूवी को जो कि बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि गदर मूवी जिस तरीके से ऑडियंस के बीच में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और वहीं दोस्तों जिस तरीके से ऑडियंस ने प्यार दिखाया था गदर मूवी को, और वैसा ही प्यार जो कि गदर 2 मूवी को भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही एक पोस्टर रिलीज किया गया था सनी देओल का, जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से उस पोस्टर पर रिव्यू मिला, और साथ ही साथ ऑडियंस ने तारीफ भी करी। आप लोग बताए चले कि पब्लिक रिव्यू भी उस फिल्म को अच्छे खासे मिले। आप लोग बता दें कि गदर 2 मूवी जो कि एक अलग बहुत ही जोरदार और डिफरेंट मूवी होने वाली है, और बहुत ही ढांसू मूवी होने वाली है, इसी कारण इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से कर रही है। आप लोग बताइए चले कि इस फिल्म को 11 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, और वहीं इस फिल्म को जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल शर्मा, और वहीं दोस्तों अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 मूवी जो कि बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग बताइए चले कि गदर 2 मूवी का जो कि बजट 50 करोड़ रुपए है, और यह फिल्म को जो कि 50 करोड़ रुपए के बजट से बनाया जा रहा है, और यह फिल्म बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार फिल्म है। आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में सनी देओल, और वही दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को उत्कर्ष शर्मा देखने को मिलेंगे। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो यह फिल्म अपने पहले दिन जोरदार और शानदार तरीके से 50 से 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी और सारे हेटर्स की बोलती बंद करेगी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे। और वही दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो आप लोग बताइए चले कि गदर 2 मूवी के बाद जो कि एक दूसरी मूवी भी इसी साल रिलीज होने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सनी देओल की फिल्म गदर 2 मूवी को इतना अच्छा खासा क्रेज मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, वैसी तरह जो कि दूसरी मूवी जो कि इसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, और ऑडियंस इस फिल्म के भी रिलीज होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए चले कि गदर 2 मूवी के बाद दूसरी मूवी है जो कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी को भी जोरदार और शानदार तरीके से बस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, और ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आप लोग बता दें कि टाइगर, और वही दोस्तों एक था टाइगर को जिस तरीके से ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिखाया था, और वही दोस्तों जिस तरीके से टाइगर मूवी और टाइगर एक था टाइगर मूवी को अच्छा खासा कलेक्शन हुआ था बॉक्स ऑफिस पर, उसी तरह इस फिल्म का भी क्रेज बना हुआ है।
आप लोगों को बता दें कि टाइगर में जिस तरीके से ऑडियंस ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया था कैटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी को, और वहीं एक था टाइगर में कुछ जो कि डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिला था, और वहीं दोस्तों टाइगर थ्री मूवी में अब आप लोगों को पूरा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में आप लोगों को जोरदार और शानदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे कैटरीना कैफ, और वहीं आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में आप लोगों को सलमान खान के साथ साथ एक और नया चेहरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में आप लोगों को इमरान हाशमी भी जोरदार और शानदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि सलमान खान और इमरान हाशमी में आप लोगों को गजब की फाइटिंग सीन भी देखने को मिलेगी। आप लोगों को बताया चले कि इसमें आप लोगों को इमरान हाशमी एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को बता दें टाइगर थ्री मूवी का क्रेज बस इसके कारण भी बना हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में आप लोगों को शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा केमियो रहेगा उनका, बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार। और वही दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि जिस तरीके से पठान मूवी में सलमान खान का केमियो था, उसी प्रकार जो कि टाइगर थ्री मूवी में भी जो कि शाहरुख खान का केमियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को बताया चले कि यह फिल्म अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करेगी और सारे हेटर्स की बोलती बंद करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें कि टाइगर थ्री मूवी अपने पहले दिन कम से कम दोस्तों 70 से 80 करोड़ रुपया कारोबार कर सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को शाहरुख खान का भी केमियो देखने को मिलेगा। इसी कारण इस मूवी का जो कि क्रेज और बस और भी ज्यादा बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, टाइगर थ्री मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वही तीसरी मूवी की बात करें तो तीसरी फिल्म है जो कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि आदि पुरुष जो कि बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में नजर आने वाली है, और आदि पुरुष का क्रेज और बस और भी ज्यादा बना हुआ है। आप लोगों को बताया चले कि आदि पुरुष जो कि एक भारी भरकम बजट से बनाई गई फिल्म है। यह फिल्म जो कि आदि पुरुष महाकाव्य रामायण से प्रेरित फिल्म है, रामायण के ऊपर बनाई गई फिल्म आदि पुरुष, जो कि इस फिल्म में आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार जो कि निभाते हुए नजर आएंगे प्रभास, और वहीं दोस्तों सीता माता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आप लोगों को कृति सेनन। आदि पुरुष जो कि एक ऐसी फिल्म है जिसको जो कि पब्लिक ने पहले हेट किया था, इसके टीजर को रिलीज किया गया था तब, और वहीं दोस्तों फाइनली इस फिल्म के टीजर में सुधार किया गया और पूरी की पूरी फिल्म में सुधार किया गया और फिर रिलीज किया गया। तो ऑडियंस ने इसके टीजर और वहीं दोस्तों इसके ट्रेलर को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया और पब्लिक रिव्यू भी अच्छे खासे मिले। इसी कारण इस फिल्म का क्रेज और बस और भी ज़्यादा बनता है। आप लोगों को बताइए चले कि ओम रावत के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म आदि पुरुष जो कि 16 जून के दिन सिनेमाघरों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म को जो कि 500 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है, इसी कारण यह फिल्म का क्रेज और बस और भी ज्यादा बनता है। इस फिल्म में आप लोगों को कृति सेनन, सैफ अली खान और वहीं प्रभास नजर आएंगे। हालांकि सैफ अली खान इस फिल्म में आप लोगों को रावण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बात करें आदि पुरुष फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बताया चले कि यह फिल्म अपने पहले दिन जो कि 80 से 90 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है, क्योंकि इस फिल्म का क्रेज बहुत ही ज्यादा बना हुआ है और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आप लोगों को देखने को मिलने वाली है 16 जून के दिन। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जो कि आदि पुरुष फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार करेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ टाइगर 3 और वहीं दोस्तों गदर 2 मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।